हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा FAHU, फैन एयर हैंडलिंग यूनिट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम होता है, बिल्डिंग में लगा होता है। तो मैं अभी वीडियो स्टॉप कर देता हूँ बताने के लिए आपको। तो देखिए, अभी ये चल रहा था, आपने ग्राफिक्स में देखा था। अभी FAHU यूज़ किस लिए होता है? देखिए, बिल्डिंग जो होटल्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होटल्स होते हैं, जैसे आपने बुर्ज खलीफा का नाम भी सुना होगा, या बहुत 13 फ्लोर के होते हैं, फुली पैक्ड होते हैं और फुली एयर कंडीशनल होटल्स होते हैं। तो देखिए, उसके लिए फ्रेश एयर चाहिए होती है, जो फ्रेश एयर बाहर की सप्लाई करते रहे। तो फ्रेश एयर के लिए क्या होता है दोस्तों, हम FAHU का यूज़ करते हैं बिल्डिंग में। फ्रेश एयर डक्टिंग के थ्रू, जो डक्ट बने होते हैं उसके थ्रू, फ्लोर वाइज जो होते हैं, फिर फ्रेश एयर आती है बिल्डिंग के अंदर। तो ये जो होता है FAHU, ये कंट्रोलिंग होती है इसकी, और मॉनिटरिंग दोनों ही होती है। हम इसको मॉनिटर भी करेंगे, कंट्रोलिंग भी करेंगे। अब देखिए, इसकी सेटिंग आपको बता देता हूँ मैं। जैसे कि अभी ये चल रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए चल रहा है, तो इसलिए मैंने स्टॉप कर दी वीडियो। स्टार्ट स्टॉप, यानी कि स्टार्ट है, चल रहा है ये। फिर है ट्रिप स्टेटस, एक्टिव है। इसमें जो है वो एक के ट्रिप पड़ी हुई है यहाँ पर, अभी दिखा नहीं रहा है। एक्चुअली कभी कभी ट्रिप भी दिखाता है, मगर ट्रिप होता नहीं है। तो ऐसे ही ये BMS सिस्टम काम करता है कभी कभी। अभी है मैनुअल ओवरराइड रन, जैसे कि मैनुअल ओवरराइडर, ये ऑटोमेटिक चल रहा है, जैसे मैंने पहले की वीडियो में बताया था। ये ऑटोमेटिक चल रहा है, इसलिए यहाँ पर क्लिक कर रखा है, मैनुअल ओवरराइड कर रखा है हमने, जो मैनुअल है उसके ऊपर ओवरराइड कर रखा है। ठीक है, यानी कि हम इसको ऑटोमेटिक चला रहे हैं। फिर अगर हमें मैनुअली चलाना है, तो यहाँ पर मैनुअल ओवरराइड स्टॉप करना पड़ेगा, तो हम मैनुअली जो इसका पैनल होगा वहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। हर सिस्टम का एक पैनल होता है बड़ा, उससे हम मैनुअली भी चला सकते हैं। आगे आता है नो एयर फ्लो इनएक्टिव, क्योंकि एयर फ्लो हो रही है, ये काम कर रहा है इसलिए। फिर है कम्युनिकेशन अलार्म लैच, ये इनएक्टिव है, काम कम्युनिकेशन कर रहा है आराम से BMS सिस्टम के साथ, कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होता तो फिर ये कॉमन अलार्म लैच कहते हैं इसको, काम कर रहा है ये, इसलिए ये इनएक्टिव है। फिर है अलार्म रिसेट स्विच, कोई अलार्म नहीं है इसमें, मान ली कोई भी इसमें ये डिफरेंशियल स्विच काम नहीं कर रहा है या फिर वाल्व काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ अलार्म आ जाता है। तो अभी काम कर रहा है सारा, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर टाइम शेड्यूल इनएक्टिव है, ऐसा है, हम इसको ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं कि 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद चले, फिर 2 घंटे का रेस्ट दें, फिर 3 घंटे चले, ऐसे करके टाइम दे सकते हैं, इसमें ऑप्शन होता है, मगर हमने इनएक्टिव कर रखा है, हमने इसको टाइम नहीं दिया है। फिर रन टाइम, टाइम इतने घंटे ये चल चुका है। फिर फायर अलार्म सिस्टम, जैसे उन्होंने बताया था बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम की इंटरफेसिंग होती है, फायर अलार्म सिस्टम से फायर आएगा तो वो FAHU हमारा जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, और इसलिए कोई अलार्म नहीं, इसलिए ग्रीन दिखा रहा है, वरना हो दिखाता रेड। अब देखिए इसकी टेम्परेचर सेटिंग देखते हैं हम। टेम्परेचर सेट पॉइंट में जो है आपको टेम्परेचर सेट पॉइंट यहाँ पर 15 है। देखिए, हमें जो है अंदर जो टेम्परेचर जो है वो 15 रखना है इसका, उसी के हिसाब से ये टेम्परेचर देगा, क्योंकि अंदर के जो हमें कूलिंग का जो स्टेटस है, मींस जो एयर है वो इतनी होनी चाहिए कि टेम्परेचर अंदर 15 रहे। ठीक है, इतनी होनी चाहिए, तो ये चलता रहेगा, एयर सप्लाई करता रहेगा। सप्लाई एयर टेम्परेचर जो है वो 15 है, और सप्लाई एयर ह्यूमिडिटी जो है वो 62.5% है। ठीक है, हमने सेट किया है 15, और ये सप्लाई हमें कर रहा है 17.2। ठीक है, उसके बाद आप देखें कूलिंग, जैसे मैंने बताया था, हम इसमें एक्चुएटर लगा होता है, तो हम एक फिक्स भी कर सकते हैं हम, कि वो हमेशा हमें चलता रहे ये एक फिक्स पॉइंट पे। मैनुअली ओवरराइड अनेबल कर देंगे हम यहाँ से, और यहाँ से सेट कर देंगे हम इसकी स्पीड चलने की अपने अकॉर्डिंग, तो उस स्पीड पे चलता रहेगा। जो वाल्व होता है वो जो है वाल्व ओपन रहेगा, कूलिंग वाल्व जो है वो ओपन रहेगा। अभी ये ऑटोमेटिक पे है, अब यहाँ से कर देंगे, जितना सेट करेंगे तो उतना ऊपर दिखाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है FAHU। तो उम्मीद आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।